हम यू ऑन दिस चैनल आज टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द वर्किंग विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस अमेंस वी कैन वर्क मेनी 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 एप्लीकेशन अट टाइम सो विंडोज एंड अदर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज़स टू वर्क विथ मोर देन वन प्रोग्राम्स अट टाइम एंड यू नो वेल दैट यू कैन सी दैट � गूगल क्रोम भी ओपन है एक फोल्डर भी ओपन है आपका ये क्या बोलते हैं डी फाइल भी ओपन है एम एस वर्ड भी ओपन कर रखा है मैंने और कूलर भी ओपन कर रखा है तो इतने सारे वर्क में एक साथ कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं आप भी कर सकते हो अपने विंडोज़ पे कर सकते हो एक साथ कई वर्क कर सकते हो ठीक है आप चाहो तो गाना भी सुन सकते हो एक टाइप से गाना भी लगा दो गाना भी बजते रहेगा आप चाहो तो अपना एम एस वर्ड में टाइप भी कर सकते हो कुछ प्रो, प्रोसेसर जैसे आप प्रिंट का भी दे छोड़ सकते हो इसका कॉपी और पेस्ट करके छोड़ सकते हो कहीं भी कॉपी हो रहा है फाइल तो ये सारे कार्य एक साथ हो सकते हैं और ये जो वर्क होते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं मल्टी टास्किंग दिस इज कार्ड मल्टी टास्किंग मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम दिस इज कार्ल्ड मल्टी टास्किंग इसे हम लोग मल्टी टास्किंग बोलते हैं एक साथ कहीं काम कर रहा है एक साथ कई वर्क कर रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन वॉच एन ऑनलाइन वीडियो मल्टी मीडिया फाइल इज डाउनलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट इज प्रिंटिंग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया एट द सेम टाइम यू आर आल्सो चैटिंग ऑनलाइन योर फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं तो विंडोज मैनेजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड द टू द टास्क इन सर्च अवेर दैट दे आर रन स्मूथली विंडो क्या काम करता है कई तो हम लोग जानते हैं बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेमोरी हमारे कंप्यूटर की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये क्या काम करता है विंडोज़ हमारे मेमोरी को अलग ये कर, कंट्रोल करता है और मतलब एक्सिक्यूट करता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम को रन करो उतनी मेमोरी उसको देता है और सी जो है वो हमारे शेड्यूल को हमारे वर्क को कंट्रोल करता है कि कौन कौन से वर्क अभी रन कर रहे हैं और स्मूथली वो रन करें ओके नेक्स्ट जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे पहला जो टॉप इसमें पॉइंट दिया गया है द विंडोज टास्क मैनेजर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क मैनेजर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हु कंट्रोल्स आवर ऑल टास्क ओके जिस तरह से मैनेजर का काम होता है मैनेजिंग करना वैसे ही हमारे टास्क जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसको मैनेज करने का काम ये करता है तो द टास्क मैनेजर लिस्ट ऑल द प्रोग्राम्स एंड सर्विस दैज करेंटली रन ऑन योर कंप्यूटर इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मेजर डिटेल्स ये जो है जो भी हमारे कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं प्रोग्राम रन कर रहे हैं टास्क वर्क हो रहे हैं उसको मैनेज करता है जिस तरह से इसका नाम है टास्क मैनेजर मतलब टास्क को मैनेज करना ये कुछ कुछ डिटेल्स को फॉलो प्रोवाइड करता है हम लोग अगर चाहें तो अपने डिटेल्स को अब, कुछ डिटेल्स को इससे ले सकते हैं ना कौन कौन सा डिटेल्स है हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट इज प्रोसेसर पहला जो है वो क्या है प्रोसेसर प्रोसेसर क्या, क्या काम करता है प्रोसेसर से हम लोग सॉरी प्रोसेस प्रोसेस मतलब कितने प्रोसेस आपके हो रहे हैं तो हाउ मच मेमोरी सी पी डिस्क स्पेस एंड नेटवर्क बैंड विथ इच प्रोग्राम सी यूजिंग हर एक प्रोग्राम कितना मेमोरी ले रहा है कितना सी पी को कंट्रोल कर रहा है सी पी से कंज्यूम कर रहा है डिस्क स्पेस कितना कवर कर रहा है और नेटवर्क वन वी थी ये सब कितने यूज कर रहे हैं आपके जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम के बारे में बताएगा ओके okay? आगे मैं बताऊंगा स्क्रीन शॉट इसमें रखा हुआ है और नेक्स्ट जो है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हाउ मच सिप यू मेमोरी डिस्क ए नेटवर्क आर ओवरऑल यूज यानी कि किस तरह का वो परफॉर्मेंस हम लोग को कर रहा है जो जो हमारे वर्क जो जो प्रोग्राम ओपन है थर्ड है एप्लीकेशन हिस्ट्री कि ये एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है आपके कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए आप डाउनलोड कर रहे हो कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हो दो घंटे का है एक घंटे से वो डाउनलोड हो रहा है तो बताएगा कि एक घंटे से ये एप्लीकेशन आपका ओपन है ओके फोर इज स्टार्टअप स्टार्टअप प्रोग्राम विच रन ऑटोमेटिकली विन कंप्यूटर स्टार्ट विंडोज इज लोडेड ऑन कंप्यूटर ये जो है ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ओके okay? और कंप्यूटर uh, को में के विंडो में लोड हो जाता है आपको इसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता हो नहीं होती है फिफ्थ इज यूजर यूजर्स यानी डिटेल्स ऑफ ऑल यूजर्स करेंटली लॉग इन इफ़ इट इज़ अ नेटवर्क अगर आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं तो कौन से यूजर इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उस यूजर का भी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा या टास्क मैनेजर ओके सिक्सथ जो है uh, वो है डिटेल्स डिटेल्स में स्विच यूजर इज रनिंग विच प्रोग्राम कौन सा यूजर कौन से प्रोग्राम पे रन कर रहा है कौन सा यूजर कौन से प्रोग्राम को रन करा रहा है ये डिटेल भी आपको ये देगा सेवन इज सर्विस सर्विसेज विच सर्विस आर रनिंग सच प्रिंट सर्विस सर्च पावर ब्लूटूथ वाईफाई ऑडियो फैक्स थीम्स लोकेशन इट इज ये सारी डिटेल्स आपको टास्क बार देगा सॉरी टास्क मैनेजर देगा देखिए यहाँ पे इस इमेज को देखिए आप ये इमेज जो है आपके विंडोज़ टेन का दिया हुआ है और विंडोज सेवन का दिया हुआ है इस तरह से प्रोसेस में हम लोग क्लिक करेंगे तो इतने सारे जो भी वर्क हो रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना ये कौन कौन सा प्रोसेस है जीरो परसेंट सी ले रहा है मेमोरी कितना ले रहा है इतना एम ओके okay, डिस्क कितना कैप्चर, कैप्चर कर रहा है नहीं ले रहा है नेटवर्क कितना है नहीं है जीपीयू कितना है नहीं है तो ये सारे डिटेल्स जो भी आप आप प्रोग्राम रन करा रहे हो सारे प्रोग्राम्स के डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये ओके ये परफॉर्मेंस वाले पे क्लिक कर लेंगे हम लोग तो परफॉर्मेंस दिखाएगा जैसे ऊपर मैंने बताया आप हिस्ट्री कब से कब तक चल रहा है स्टार्टअप तो मैंने बताया ही यूजर्स कौन कौन से यूजर यूज कर रहे हैं डिटेल्स बताएगा और सर्विस ये सारे चीज़ें आपके जो भी मैंने सेवन चीज बताया ये सारे आपके इसमें होते हैं अवेलेबल होते हैं टास्क मैनेजर में आप ओपन करके देख सकते हो कि ये कौन कौन सा वर्क हम लोग का अभी हो रहा है ओके okay? और सेम ये विंडो सेवन का लुक है ये इसके विंडो में स्टर्स दिखाई देता है ये ये चीज़ें आपको दिखाई देंगे सेम वही चीजें हैं बस जो दिखाने का तरीका है वो चेंज हो गया ओके okay? और इसमें कोई अंतर नहीं है अब हम लोग ये देखेंगे हमने ये तो जान लिया कि ये ये चीज़ दिखाता है लेकिन हम देखेंगे कैसे हम जान गए कि हमें रोटी कैसे बनाते हैं आटे को गूंथ के और तवा पे हम लोग उसको सेकते हैं लेकिन बनाएंगे कैसे है ना जान तो गए हैं लेकिन हो सकता है कि हमें बनाने ना आता हो तो हम लोग एक प्रैक्टिकल भी करेंगे ना एक देखेंगे ना कि कैसे हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को करना क्या है सबसे पहले तो हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे वर्किंग विद द टास्क मैनेजर टास्क मैनेजर के साथ हम लोग वर्क कैसे करेंगे ओके okay. तो टास्क मैनेजर के साथ वर्क कैसे करेंगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उसके साथ ही मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा ओके okay. working with the task manager to open the task manager to any of the following देखिए हम लोग दो तीन चीजें करते हैं कन, प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप देखिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस कर रहा हूं देखिए थोड़ा तो सा वेट करेंगे टास्क मैनेजर ओपन हो रहा है आप देखेंगे टास्क मैनेजर ओपन हो गया तो ये बता रहा है कि कोरल ड्रा ओपन है फॉक्स टीटर ओपन है गूगल क्रोम ओपन है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन है देखिए ये चारों चीजें आपके यहाँ भी बता रहा है ना टास्क मैनेजर में आ सो टास्क बार में तो ये दिखाने के बाद अब तो यहाँ पर डिटेल दिखा नहीं रहे भाई जो हमने डिटेल बताया डिटेल कहाँ गए तो मोर डिटेल मोर डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने दिखा रहा है ना कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस क्या है ओके प्रोसेस क्या है Uh, कौन कौन से कितनी मेमोरी ले रहा है ये एटी टू पॉइंट सिक्स एम ले रहा है इतना एम ले रहा है ऐसा ऐसा कर करके ये हमारे एम जो है कंज्यूम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में भी कुछ एप्लीकेशन आपके रन कर रहे हैं जो आपके कितने मेमोरी ले रहे हैं आप देख लीजिए आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिखा रहा है जी कितनी सारी मेमोरियाँ कंज्यूम होती है हमारे एक साथ वर्क करने में ओके okay, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में यहाँ क्या आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि किसका कैसा परफॉर्मेंस है देखिए कितना खूबसूरत दिखा रहा है सीपीयू सेवन परसेंट मेमोरी डिस्क वाई फाई जी पी यू ये सारी चीजें आपको जिसपे क्लिक करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिखाएगा ठीक है डिस्क जीरो तो इस टाइप से जो भी चीजें हैं आप बारे बारे से इसे देख सकते हैं ओके ऐप हिस्ट्री कौन सा ऐप कब से ओपन है तो चूंकि हमने यहाँ पे रीड कर रखा था अब देखिए नया वाला जो है अब आ चुका है थ्री बिल्डर जो है आ, वो कब से कब तक है यहाँ पे हम तो चूंकि हिडन कर चुके हैं तो यहाँ पे किसी को दिखाएगा नहीं किसी का नहीं दिखाएगा लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है ये देखिए कटना जो है ये नौ मिनट चौथे सेकेंड से ये मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रन करने लगते हैं बैकग्राउंड में आपके और उसे आप देखते नहीं है कि वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कर रहा है देखिए कब से कर रहा है नौ मिनट चौतीस सेकेंड से कर रहा है ओके देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग तो इस टाइप से ये जो है सबसे ज्यादा एमबी ये कंज्यूम कर रहा है जो इसको हाईलाइट कर दिया गया है ओके तो देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना क्या क्या ये कितना कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है हम लोग का और बैकग्राउंड में क्या क्या वर्क हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से चूँकि नोट्स भी मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को जहाँ प्रॉब्लम हुआ देख भी सकते हो कि क्या क्या कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे वर्क करेंगे नेटवर्क नहीं ले रहा है ओके टाइल ताय, टाइल अपडेट पॉइंट वन एम बी चूँकि ये वर्क मैं करता नहीं हूँ देखिए कंडिक्रस सोडा सागा जो है मैं वर्क इस पर नहीं करता हूँ मैंने आज तक मतलब करीब एक महीने डेढ़ महीने से मैंने इसको ओपन तक नहीं किया लेकिन फिर भी ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है आपका क्यों क्योंकि इंटरनेट से ये जुड़ा हुआ है इंटरनेट से आपको जोड़ के वो मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है ओके okay? इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपकी हैं देखिए नीचे ढेर सारी चीज़ें हैं हम लोग स्टार्टअप पे आते हैं स्टार्टअप पे क्या होता है मैंने बताया था तो स्टार्टअप पे क्या क्या है भाई कैसे कैसे स्टार्टअप है कौन कौन सा ऐसे आपके ऑलरेडी ऐसे स्टार्टअप बने हुए हैं ये है इसके बाद फिर यूजर्स पे आते हैं हम लोग यूजर में क्या क्या दिखा रहा है यूजर भी देख लीजिए यूज़र कौन है भाई सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने एक ही यूजर अब देखिए सिक्सटी थ्री ये देखिए कितनी चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ आप थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे तरीके से और ये सारे चीज़ों पे क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कौन कितना कितना मेमोरी लिया कितना कंज्यूम कर रहा है पावर ओके तो हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से बैग चला जाएगा ये देखिए ऊपर जा रहा है यूज़र के बाद हम लोग आएंगे डिटेल्स अब देखिए सारी चीजों का डिटेल दे रहा है क्या क्या इसमें अलाउ किया गया क्या, क्या क्या नहीं किया गया है बहुत सी चीजें इसमें हैं ये बहुत ही कम लोग आपको बता पाएंगे और बहुत खोजने के बाद बहुत ढूंढने के बाद ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप देख सकते हो कि क्या क्या हमारे बैकग्राउंड में रन कर रहा है देखिए कितने सारे ऐप रन कर रहे हैं कितने सारे रन कर रहे हैं जो कि हमने रन कराया नहीं ओके और कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है ये सारी चीज़ें ही होती है ना जो हमारी मेमोरी को कंज्यूम करती हो तो हमारा जो डिवाइस होता है वो हैंग करने लगता है ओके ये भी आप लोग जान लीजिए ये सारी जो मेमोरी जो हैं वो कंज्यूम करती हैं आपके डाटा मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगी आपके पास सी पी यू में जगह नहीं बच पाएगा आपके रैम में जगह नहीं बच पाएगा तो हमारा जो कंप्यूटर या मोबाइल्स या डेस्कटॉप जो होते हैं वो हैंग करने लगते हैं ओके नेक्स्ट जो है सर्विसेज हैं सर्विस में हम भी हम लोग थोड़ा सा देख लें क्या है देखिए ये सारे सर्विस हैं सर्विस को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे अगर करेंगे तो कहीं हो सकता है आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो प्र, वो करप्ट हो सकते हैं ओके जो भी चीज़ें मैंने बताया उसे आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे अगर कुछ वर्क करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे कैसे हम लोग उसको क्या करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी आप देख लिए हम लोग आते हैं ये देखिए प्रेस विंडो की प्लस एक्स टू ओपन पावर मेनू एंड सेलेक्ट टास्क मैनेजर हम लोग ऐसा भी ओपन कर सकते हैं तो पहला तो मैंने बता दिया एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अस्केप एक मैंने बताया दूसरा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल यहाँ से भी आप टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद टास्क मैनेजर पे क्लिक करके ला सकते हैं ठीक है ओके इसके बाद देखिए ध्यान से एक तो यहाँ लिखा हुआ था दूसरा मैंने बताया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल तीसरा जो है विंडो प्लस एक्स विंडो के साथ हम लोग एक्स प्रेस करेंगे आ गया यहाँ पे टास्क मैनेजर आपको मिलेगा ओके तो ओपन पावर मेनू एंड सेलेक्ट टास्क मैनेजर ओपन पावर ऑप्शन पावर ऑप्शन है यहाँ पे या फिर आप छोड़ दीजिए आप डायरेक्ट मैनेजर में ही आ जाइए उतना क्यों परेशान होना है है ना आ गया तीन तरीके से मैंने बताया एक दो तीन तरीका चौथा जो है टास्क बार पे आपको राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर ओपन करना है आप इससे भी ओपन कर सकते हैं है ना तो इस तरह से ओपन करने के चार तरीका मैंने आपको बताया चार तरीका आप लोग को जैसे ही बेस्ट लगे आप ओपन कर सकते हो व्यू इन डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे हम लोग डिटेल को व्यू करेंगे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखा दिया चूँकि मैं वीडियो को लंबा जब हमेशा बोलता हूँ मैं वीडियो को हमेशा शॉर्ट में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एंडिंग आ प्रोग्राम आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ना हो अगर मैं कंटिन्यू एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लो प्रोसेस में बताऊँ तो बताया एक डेढ़ घंटे की वीडियो बन जाएगी तो एंडिंग प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम को एंड कैसे कर करेंगे इसके लिए भी मेरे मैं आपको पहले क्या करता हूँ ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल और डेल से या आप टास्क बार पे जाके राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद आप आएंगे आपके आप कहाँ पे आएंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ परफॉर्मेंस पे कहाँ गया परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आपका देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस पर मैंने क्लिक कर दिया सॉरी इसके पहले प्रोसेस पे आएंगे सॉरी 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 प्रोसेस यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ अब यहाँ से किसी एक प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे चलिए इसको मैंने क्लिक कर लिया आप चाहते हैं इसे एंड करना इसे ख़त्म करना ओके तो आप यहाँ एंड टास्क पे क्लिक कर देंगे आपका ये ख़त्म हो गया हो गया ना ख़त्म देख लीजिए इसके बाद क्लियरिंग प्रोग्राम यूज हिस्ट्री आप अपने हिस्ट्री को के यूज जो यूज है ना उसको खत्म करना चाह चाहते हैं ऐप हिस्ट्री ओके जैसे मैंने थोड़ी पहले बताया था कि मैं हिस्ट्री को क्लियर कर देता हूं हमेशा तो हम इसे क्लियर करना चाहते हैं तो हम लोग पहले यहां मोर डिटेल पर आएंगे और उसके बाद एप हिस्ट्री पे जाएंगे ऐप हिस्ट्री यहाँ पे है ना थर्ड वाले ऑप्शन में और यहां जाने के बाद हमें क्या करना है फीवर डिटेल पे जाएंगे सॉरी 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 जाने के बाद आपको क्या करना है क्लिक ऑन डिलीट यूजेज हिस्ट्री क्या यहाँ पे कहीं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ देखिए यहाँ पे है ना डिलीट यूजेज हिस्ट्री बिल्कुल देखिए आप ये दोनों को मैच करते जाइए इसके अनुसार डिलीट यूजेज हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है और हमें भी इसमें वही सी चीज खोजना है आपका यहाँ पे मिल गया और जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका जो है वो डिलीट हो चुका बिल्कुल ब्लैंक हो गया ओके okay? अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो हमारे ऑप्शन दिए देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के साथ साथ दिखा रहा हूं ध्यान देंगे इस चीज़ को इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान देंगे कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूँ डिसेबलिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम ऑटो स्टार्ट ऑटो स्टार्ट जो प्रोग्राम हो रहा है ना उससे किसी को डिसेबल करना है तो कैसे करेंगे सेम वही प्रोसेस हम लोग हम लोग ओपन कर लेंगे और सेट set, सेटअप हम लोग जाएंगे स्टार्टअप पे स्टार्टअप कहाँ भैया स्टार्टअप यहाँ इसके बगल में ये एफ एस के बगल में आप किसी भी प्रोग्राम को क्लियर कर लीजिए किसी को भी क्लिक कर लीजिए जो आप चाहते हैं कि उसे हम लोग बंद कर दें तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है मान लीजिए हमने इसको क्लिक कर लिया और बस डिसेबल पर क्लिक कर देंगे आपका डिसेबल हो जाएगा ओके okay, लेकिन मैं डिसेबल नहीं करूँगा चूँकि मुझे इस पर वर्क करना है अभी इसके बाद विंडो विंडो टास्क टेन का टास्क व्यू। व्यू का कैसे कैसे दिखाई देगा? ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऑन हम लोग इसे एक बार हटाते हैं हम लोग इसे हटाते हैं अब। विंडो टेन टास्क व्यू क्या होता है हम लोग इसे कैसे देखेंगे क्या होता है तो विंडो टेन टास्क व्यू ऑन द टास्क बार ऑन लेफ्टे यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट टू बटन क्लिक ऑन इट टू सी द विंड ऑफ ऑल द ओपन प्रोग्राम यू कैन क्लिक ऑन द डिजाइड प्रोग्राम टू स्विच टू इट देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए ध्यान से मैं कर्सर को कहाँ लेकर आया हूँ अपने माउस को कहाँ लेकर कर आया हूँ यहाँ जो स्टार्ट स्पीच है ना उसके बगल में कॉटना यहाँ पे होता है बोलने के लिए इसके बगल में ये टास्क व्यू है यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए जो जो प्रोग्राम में रन करा रहा हूँ वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना है कि इस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा जिसपे भी हम लोग क्लिक करेंगे बारी बार से सब में करके दिखा दे रहा हूँ मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये ओपन हो गया ओके और मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ ये ओपन हो जाएगा ओके तो इस तरह से जो भी हम लोग टास्क को देखना चाहते हैं कैसे कैसे हम लोग वर्क करेंगे अपने मैं आप नोट्स पे आ जाता हूँ तो टास्क व्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पे से कोई भी ओपन कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से जो हमने अब तक जो जो बताया चूँकि मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ आप लोगों का टाइम कंज्यूम ना हो जा रहा है इसलिए अगर आपको कहीं भी परेशानी परेशानी होती है आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप यहीचक हमसे पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे, कैसे होता है ओके आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप थोड़ा सा कमेंट मुझे करें जिससे मुझे हौसला मिलता है